विश्व में भारत एक ऐसा विशाल डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसका देश में रहने वाले हर नागरिक को पालन करना होता है। यदि कोई आपराधिक घटना हो जाती है और आप पर कोई झूठा केस बनाकर आपको फंसाना चाहता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए अग्रिम जमानत माने एंटीसिपेटरी बेल नियम से उसकी मंशा पर पानी फेर सकते हैं, उसके गलत इरादों पर पानी फेर सकते हैं। अग्रिम जमानत भी अन्य सभी जमानतों की तरह है, परंतु यह जमानत कोर्ट से व्यक्ति की गिरफ्तारी होने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा सभी जमानत व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद प्राप्त होती है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब गिरफ्तारी होने से पहले ही कोर्ट द्वारा व्यक्ति का रिहाई प्राप्त कर लेना। एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कानूनी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। यह जमानत एक अस्थायी स्वतंत्रता के रूप में होती है। आरोपों की गंभीरता को देखने के बाद, सच्चाई का पता लग जाने के बाद न्यायाधीश जमानत या एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर देते हैं। यह एक ऐसी जमानत है जिसमें व्यक्ति का अपराध जब तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति जमानत पर रिहा रहता है। आईपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने का प्रावधान बनाया गया है। इस धारा में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो पूर्ण रूप से अपराध का हिस्सा नहीं है और उन्हें इस अपराध में फंसाया गया है, इसलिए वो गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट में आवेदन करके एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करवा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया में सच्चाई तक पहुंचकर न्यायाधीश पर्सनल बॉन्ड के साथ जमानत पेश करने के लिए आदेश जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जमानती शुल्क 10,000 रुपये तक पेश करने का आदेश दिया जाता है, जो शुल्क व्यक्ति द्वारा कोर्ट में जमा करवाया जाता है।